बहुत बहुत हाई, इतना एक्साइटमेंट हाई कि मुझसे फॉर अ चेंज आई डोंट नो व्हाट टू से. आई एम रियली फीलिंग एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड एंड आई एम वेरी नर्वस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ऑल्सो एट द सेम टाइम. बट ऑल इन ऑल आई थिंक द ट्रेलर वॉज रिसीव्ड रियली वेल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड दैट मेक्स मी इवन मोर एक्साइटेड फॉर द स्क्रीनिंग एंड आई जस्ट कैन वेट टू वॉच हाउ इट्स गोना ऑल लुक नाउ. That's right, absolutely. Ji. My parents, and that's why they're here with me. I mean, they are. यहाँ पर आप लोग हैं, उसके पीछे my parents are clicking pictures. So I think, and जिनको मैं दिखाना चाहती हूँ वो मेरे साथ हैं. Okay, so you know, ये role play करना कितना मजेदार रहा? बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा यूनिफॉर्म एक पहनना वो ही अपने आप में इतनी एक बड़ी बात होती है. एंड जस्ट टू डू, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू एक्शन, यू नो, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई मिस्ड डूइंग ऑन टीवी. थोड़ा सा बेहद में किया था, बट उससे और भी मुझे इंस्पिरेशन मिली करने की. एंड वंस आई गॉट दिस, अ लॉट ऑफ, एज यू मस्ट हैव सीन फ्रॉम द ट्रेलर, कि बहुत ही भागना दौड़ना फाइट और ये वो, लाफ या लिटिल बिट. एंड सो या, दैट वॉज अ लॉट ऑफ फन, वेरी वेरी टायरिंग बट लॉट ऑफ फन. जी जी, ऑल गुड थैंकफुली. हाँ हाँ, थैंकफुली. और लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि वी डिडंट नो दैट यू कुड डू समथिंग लाइक दिस, राइट, बिकॉज आई एम नॉट वेरी फिजिकली, आई एम नॉट अ वेरी टॉल एंड यू नो हाउ दे, हाउ यू वुड एक्सपेक्ट अ सोल्जर टू बी. एंड आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई ऑल्सो आई टुक अप दिस चैलेंज. एंड आई वुड लाइक टू थैंक आर डायरेक्टर अक्षय, our producers Samar Khan and obviously Ekta ma'am, that they thought that I could do this, aur unhone mujh par they had this faith and trust in me, and I'm really really grateful for that. Ma'am, acha Harshad ke sath aapne ek kaam kiya tha, Harshad bhi kaafi athletic hai, isme bhi kuch is tarah ka hi role nazar aaya tha, to Harshad ne kuch comments mile the kya aapko is role ke liye aapko? Nahi. हाँ जी बोलिए. ओके मैम, यू आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक जॉब इन रेड टू ऑल्सो, यू आर डूइंग, जिस तरह से आप परफॉर्मेंस में भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत ही अनोखा परफॉर्मेंस लगा, तो कितनी तैयारी आपने की थी? करेक्ट करेक्ट जी, तैयारी तो थोड़ी नहीं, काफ़ी करनी पड़ी, बिकॉज वी शॉट दिस लास्ट ईयर एंड लकीली यू नो, एक टाइम पे दो प्रोजेक्ट्स करना आसान, बिल्कुल आसान नहीं होता. एंड दैट टाइम आई वॉज, दिस वॉज ऑल माई फोकस वॉज ऑन कोडियम, तो मुझे टाइम मिला थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज़ फिजिकली जो भी, जितने भी एक्शन सीक्वेंस आप शो में देखेंगे वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अभी सीखा है, यू नो, बिकॉज प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, दैट जिस तरह से वो खड़े होते हैं चलते हैं, उस सब में भी हमने काफ़ी वर्क किया है. सो आई डिड अ लिटिल, यू नो, माई पिलाटेज एंड माई डाइट अ लिटिल बिट कंट्रोल, और कोशिश की अभी, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना लुक. बैक टू की बात की जाए तो उसमें भी आपने कई सारे रिकॉर्ड्स आपने तोड़े हैं, जैसे कि अगर हम बात करें शिवेन और जो आपके पोस्ट आ रहे हैं, वो आपसे कम उम्र के हैं, उनके साथ आप रोमांस कर रहे हैं, आपने तीनों खान और अक्षय कुमार का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, मतलब ओह माय गॉड, सलमान खान, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट. पहले तो आई सीरियसली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट, टीवी में करके यार, मेरे ख्याल से हम एक्टर इसीलिए बनता है ताकि हमें ऐसे कुछ अलग करने का मौका मिले, राइट. एंड आई रियली एंजॉय, एंड मेरे ऑनेस्टली मेरे दिमाग में ये सब आता नहीं है, तुम लोग के दिमाग में कैसे आता है ये सब, मेरे को समझ में नहीं आता है सच्ची. बट लुक, आई एम एन एक्टर एंड आई लाइक प्लेइंग क्वर्की रोल्स लाइक दैट, बिकॉज वो करने में मुझे मज़ा आता है. ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बाकी सारे शोज़ में मैं अच्छी बहू अच्छी बेटी वो सब भी किया है, बट आफ्टर दैट व्हाट, राइट. एंड आई थिंक द फैक्ट दैट आई गेट टू डू दीज रोल्स ऑन टीवी, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट, दैट आई एम जस्ट गोना से आई एम लकी. मेरे को नहीं पता रिकॉर्ड ये वो, बट आई रियली ट्रूली लव एक्टिंग, ट्रूली लव एक्टिंग, और जितना क्वर्की रोल्स उतना और मज़ा आता है. एक और बात है कि जैसे कि जब आपके शोज होते हैं अच्छा, ये देखिए आ गए हमारे प्रोड्यूसर जी. ये पार्टी इसलिए नहीं करती है क्योंकि ये काम में विश्वास करती हैं और बहुत काम करती हैं,
अब यहाँ खत्म करेंगी, उसके बाद ये डबिंग के लिए जाएंगी, सुबह शूट के लिए जाएंगी, फिर डबिंग करेंगी, तो काम करना इतना होता है तो आदमी पार्टी कैसे करेगा ना, बताइए आप, बताइए। अब इसका जवाब तो मिल चुका है आपको हमारे प्रोड्यूसर साहब से। और वैसे भी ये सिंगल है, आप कुछ ढूंढ दीजिए इनके लिए, कोई मिल जाएगा तो पार्टी भी कर लेंगे इसके बाद फिर। दैट इज योर आंसर, एब्सोल्युटली सेव द डे। Look, right now this is all that is Kodam is all what I'm thinking about right now, because the start, as you said, has been phenomenal with the trailer launch, and right now, you know, let me at least enjoy this moment and the revelries after this, and then we'll get one day at a time, you know. देखिए मेरे हिसाब से भले वो वेब शो हो या टीवी हो या फिल्म हो, एक्टिंग एक्टिंग होती है, और मुझे जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आई रियली ट्रूली लव एक्टिंग। येस, द डिफरेंस इज़ कि जो टीवी में जिस तरह से एक सीन को ट्रीट किया जाता है या वेब पर जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो डिफरेंस होता है, और वो एनीवे मेरे हाथ में नहीं है, राइट? सो मैं काम वहाँ पर ही वैसे ही करती हूँ, और यहाँ भी ऐसा ही करती हूँ, और कहीं पर भी वैसा ही करूँगी, तो मेरे लिए वो डिफरेंस नहीं है। I think just to get the physicality right, because I think I must have said this a million times, I'm very, very lazy. That's one of the reasons why I don't get out also, because I'm very lazy. With all of that, I'm also very lazy. So I think just to get to be a little disciplined, to be follow, specific diet patterns, that was, I can't do that. It was very tough. Yeah, thank you guys, thank you so much. I think she's really looking hot. I think I had never visualized her looking like this, and she's looking fab and excited to see how she's doing, how she's gonna act, and how sexy she's gonna look. That's what I just told. I'm like, you're looking smoking hot, and like I said, like the action sequence and all, she comes across as a very dainty thing, you know, and here she's looking like all rough and tough, so it's really nice. Okay, ma'am. Thank you. Okay, sir, have celebration. Yes, sir. मैंने कुछ नहीं, मैं सुबह उठ के जिम गई थी, एंड देन आई वॉज विथ माई मॉम एंड माई फैमिली, आई हैड लंच विद देम, एंड देन आई वॉज एट होम एंड सम फ्रेंड्स हैड कम ओवर, सो चिल्ड आउट बर्थडे. हाँ, मम्मी ने एक्चुअली बनाया था. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, इट्स कॉल्ड खांडवी इन गुजराती, सो माय फेवरेट थिंग, तो वो मम्मी लेकर आई थी मैंने. ओके, इन दिनों इंस्टाग्राम में आप काफी धमाल मचा रहे, जब भी आपका वीडियो या कुछ आ जाता है तो कुछ बताना चाहिए, आप सोशल मीडिया में इतना धमाल कैसा मचा रहे? रियली आई थिंक मैं सबसे इनएक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे अगर, लेकिन लग रहा है लोगों को मैं एक्टिव हूँ, तो इट्स अ ग्रेट थिंग. वैसे ये हो रहा है कि अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं चिल कर रही हूँ, तो मैं पूरा टाइम वर्कआउट करते रहती, तो वही वीडियोज़ होते हैं मेरे पास डालने के लिए. आई डोंट नो, लेट्स सी, क्या अच्छा कुछ मिले तब बताऊंगी मैं आपको. इट्स जस्ट बीन 13 डेज टू बी प्रिसाइज, सो आई थिंक आफ्टर अ मंथ आई हैव अ बेटर आइडिया. थैंक यू, सी यू. हेलो एवरीवन, यस, हाय मैम, मॉम, मैम, कम नो, अरे कम कम, अरे कम कम कम. She has only taught me how to answer questions, huh? So today is a true test of whether I'm able to do it. Yeah. Hey, damn. Why did he just sneak away? Hello, hello. Isko padho. नहीं नहीं. Hey, क्या यार? अरे आप director हो यार. ठीक है. Yes. Okay, so playing this kind of and watching. Sorry, could you repeat that? Too much noise at the back. Yeah. I'm always excited. I'm a mother. For me, anything my son does is fabulous. Mother. And you know, you are already here with your mom, so we can definitely say that you wanted to show her this. Yes, yes. You know, actually, my mother has flown down from Poland especially to be part of this screening. So I really hope it lives up to the promise and those two long flights you took just to get here. So yeah, let's hope that happens.
It was very interesting for me to play this particular character because it's different from the kind of stuff that I have attempted before this. We just had Inside Edge that came out last month. I had a revenge drama on Z5 called Poison that was out earlier last year. Here you're going to see a very different avatar of me, and I hope the audience appreciates and goes along with the choices I'm making in my career. Yeah. Definitely, they might be already appreciating you. It's been overwhelming. The reaction to the first trailer and now to the song, the 4G song that we put out, has been sensational. And I think people, I think you get a good pulse of how you're, in which direction you're headed, as social media is very, very on the nose, right? So they kind of give it to you in the moment, So you put some content out and within the next 1 hour, you have a good feeling. It's a good litmus test. So we're really looking forward to it, and hopefully we're able to deliver the goods. We'll know within the next 48 hours. I wasn't in the country, I just got back, but I saw it over there and I just told him, I said, Tanuj, it seems very different and very nice, different from Inside Edge 2, which is very important because it's coming very close in the heels. So, and I like the briskness and the whole feel of it was very nice. So I'm quite excited to watch it now. Yeah. Well, firstly, I just want to thank all my fans out there for giving me so much of love, especially in the past couple of years, be it on the two seasons of Inside Edge, be it on Poison, and now I hope that love continues for Code M. It's going to be streaming from the 15th of Jan exclusively on all Balaji Z5 Premium, so please watch it. 8 episode hai bhai, 20-25 minute ke episode hai, so you can just go and binge watch it in one night and enjoy. Thank you so much. Thank you. Have a good night. Thank you. Visuals. Yeah, I'm here. ये ऑरेंज जूते का तो थोड़ा ज्यादा फूड ही ले लो. हाँ हाँ ये नए नए हैं. Sure, you want one question? Yeah. So we can cross for 2 minutes, 2 seconds. Oh yeah, yeah, yeah. 2 seconds, sir. Thank you. Yes. हाँ, मेरा एक्सपीरियंस जेनिफर के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया. शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 17-18 ईयर्स, पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये इतने बड़े स्टार है या इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में काम करते आए हैं. शी मेड मी फील रियली कम्फर्टेबल फ्रॉम डे वन. एंड जब आप हमारे सीन्स देखोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई वर्क ऑन द शो इज़ विद जेन, सो आई थिंक यू विल सी अ वेरी ईजी केमिस्ट्री. शो पे तो ऐसा दिखाया गया है कि मैं उनका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, बट जब हम केस सॉल्व कर रहे हैं, वी आर लाइक टू प्रोफेशनल. सो आई काइंड ऑफ लुक एट दिस शो लाइक शर्लॉक एंड वॉटसन. सो इट्स अ वेरी ईजी गोइंग केमिस्ट्री एंड इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग, यू नो, बिकॉज आई डोंट थिंक हर वेब सीरीज या हर फिल्म में ये दिखाना ज़रूरी है कि यार इन दोनों के बीच में कोई रोमांटिक संबंध है या ऐसा कुछ. सो आई एम रियली लुकिंग फॉर टू सीइंग व्हाट द ऑडियंस हैज़ टू से. इससे पहले ऑफकोर्स आई मीन बेहद एंड नाउ स्पेशली विद सीजन 2 ऑफ बेहद वेयर शी इज़ बैक इन ब्लैक, आई मीन सब देखते हैं, यू नो. इनफैक्ट कभी कभी मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ बॉम्बे में एंड सडनली ऑन द साइड ऑफ अ टैक्सी आई सी माया जस्ट स्टेयरिंग विद अ नाइफ इन अ हैंड और यू नो विद दैट ब्लैक ड्रेस. इट्स क्वाइट स्केरी एंड देन आई हैव टू गो एंड वर्क विद हर द नेक्स्ट डे. तो अच्छा है एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट. द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग ऑन कोड एम एज मोनिका मेहरा इज़ पोल्स अपार्ट फ्रॉम वॉट शी हैड डन अर्लियर विद बेहद एंड विद बेपन्ना. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हाँ, तो आई थिंक नेचुरल है. आई मीन ऐसे देखो, अभी मेरी माँ इस डायस पे थे तो हम बात कर रहे थे, राइट. एंड मॉम ऑलवेज टेल्स मी कि यार लोगों का काम है बात करना बेसिकली, राइट. आई मीन शी इज़ बीन इन द बिजनेस फॉर मोर देन 35 इयर्स, तो ये जायज़ है कि अगर आप किसी के साथ फ्रेंडली हो या किसी के साथ काम करे हो तो बोलेंगे कि हाँ दे लैड 2 and 2 दिल कम अप टू 222. और हाँ, ये सच है कि वो भी यूरोप में कहीं होल्डिंग कर रही थी अभी. मैं अपने नहीं, पोलैंड तो मैं गया था, मेरी वहाँ पे फैमिली है, वो कहीं और थी. बट यार क्रिसमस न्यू ईयर का माहौल है तो पीपल जस्ट ऐड 2 and 2 एंड कम अप टू समथिंग एल्स. सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर टू दैट एंड लेट यू गाइज थिंक व्हाटएवर यू वांट टू. थैंक यू सो मच एंड आई होप यू गाइज एंजॉय द शो. We were just discussing that in the car. So I think we're quite excited. It's a big show and there's lots of good energy, good people, good actors. We love the director and so yeah, we're very, very excited. And also, you know, if you
can tell us something more about your character. So I'm playing actually not a very popularized character in the show. She has a small role, but she's called Zeenat, and she does have a very important role in the entire series. So you'll watch. I don't want to disclose too much. Okay. Yeah. And I'm playing Major Shakti Mandappa. You probably won't recognize me because my face is entirely different. I have short hair. I have a mustache. I kept that look especially for the show. So I kept that for at least a good 6 months. I can't reveal a lot about the character because he's pivotal to the show, and even if I reveal a short bit, it might, you know, reveal some nuances which you don't want to know. Yeah. Okay, so since it's a screening, who would you like to show this, you know, screening, like someone from your family, friend, who would you like to? I would definitely want my father to come here because he's in the army, so he would have loved to. Yeah. And my brother, actually, both of them are in the army, so they would have really resonated to the entire storyline. But unfortunately, they couldn't make it. So, but yeah, I'll definitely show it to them. Okay. My parents, they stay in Ahmedabad, so unfortunately, they couldn't make it. But my wife is on the way, so she should be joining me soon. Okay, so all the best. Thank you so much. Thank Enjoy, you guys. Thanks. You guys. What was making me more exciting? The thriller part of it. ऐसे बहुत कम series होते जो thriller होते हैं और मुझे थ्रिलर बहुत एक्साइट करते हैं एंड ऑल्सो इट्स बेस्ड ऑन आर्मी एंड ऑल्सो जेनिफर. अनफॉर्चुनेटली मैंने ज़्यादा जेनिफर का काम देखा नहीं है, बट आफ्टर वॉचिंग द थ्रिलर आई थिंक आई शुड. एंड इट्स शीज डन अ फैब जॉब इन द थ्रिलर एंड इट्स बीन शॉट इन जैसलमेर एंड जोधपुर एंड बॉम्बे एंड वॉट नॉट एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन आर्मी. सो दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड हियर फॉर. नहीं एक्चुअली आई नॉट मेट हर पर्सनली सो आई डोंट नो आई वोंट इफ आई गेट अ चांस ऑब्वियसली आई विल टेल हर बट आफ्टर ओनली वॉचिंग द शो सो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. एंड यू नो द शो इज ऑन आर्मी यू नो पार्ट द पर्सनालिटी यू हैव द कैरेक्टर एंड सच कैरेक्टर्स विल सूट ऑन यू एज वेल. हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट वर्किंग? नहीं, एज ऑफ नाउ आई वुड जस्ट टॉक अबाउट कोडेम, बट ऑल्सो बिसाइड्स दैट आई वुड ऑल्सो से दैट आई एम कमिंग अप विद द शो विद ऑल्ट विच इज़ मैं हीरो बोल रहा हूँ एंड इट इज़ मेड बाय द सेम प्रोडक्शन हाउस. सो नो वंडर आई नो द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल दे हैव इनवाइटेड मी. सो इट्स द सेम टीम. सो जो कोडेम जिसने बनाया है वही मेरा शो बना रहे हैं. तो बेसिकली मैं हीरो बोल रहा हूँ. सो या एंड वो देयर आई एम प्लेइंग अ गैंगस्टर. सो या I'm very excited. I'm a part of this show. लेकिन लोगों को कितना दिखाना चाहेंगे आप? मतलब आज सब आपके फ्रेंड्स लोग आने. So you know, to cut the long story short, मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ. My father was a lawyer in the army. So when this show was offered to me, this became like a passion project because काफ़ी चीज़ें इस शो में जो हैं वो मैंने बचपन से देखी हैं. एंड एक एक्साइटमेंट होती है एज अ लॉयर टू सॉल्व द केस विच जेनिफर इज़ डूइंग इन द शो. And she's done a fabulous job. She's so convincing. She's so powerful in her role. I was very excited to be, you know, on the same screen as her and really have that experience. But more than that, I think jo mera character hai ek bahut hi interesting character hai. Uske bahut shades dekhne ko milenge. To mere liye as an actor, this was a very very interesting experience to do something which bahut hi unexpected tarike se wo khulta hai show mein. आई थिंक ऑल्ट बालाजी फॉर मी इज़ अ प्लेटफॉर्म जो वुमेन ओरिएंटेड शोज बनाता है जहाँ वुमेन बहुत पावरफुल तरीके से देखी जाती हैं. सो हियर यू नो ऑल द वुमेन कैरेक्टर्स इन द शो हैव अ लॉट ऑफ मीट. एक कैरेक्टर में ग्राफ है जो एक अनियन पील की तरह धीरे धीरे आता है. एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई सेड इफ आई एम गोइंग टू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो विद ऑल्ट, आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद जेनिफर, आई एम गोइंग टू बी डायरेक्टेड बाय अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन अक्षय. सो आई सेड दिस इज अ येस राइट एट द स्टार्ट. थैंक यू. Well, I'm very, very excited with Code M, obviously, and it's an Alt Balaji product, and I'm always waiting for Alt Balaji products. मैं खुद भी Alt Balaji का एक पार्ट हूँ. And Jennifer Winger in a new avatar. What else? I'm totally looking forward, and I really like Tanuj Virwani, and it's an action packed show. I'm totally looking forward for. Absolutely. Thank you. Hi. Hi. How are you? Okay, Vikas, बहुत कोशिश की आपने छुट्टी ले ली पर आप बच नहीं सके. हाँ, मैं लेट हूँ ना तो मेरी बड़ी झाड़ पड़ेगी. And so I wanted to not miss the show. You know you have already told कि मतलब Jennifer Winger है तो मैं कैसे नहीं आता.
देखो मैं यूजुअली एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई कम फॉर अ स्क्रीनिंग फॉल्ट आई कम बिकॉज वो मेरे शोज होते हैं. यहाँ इसलिए मैं आया हूँ आज सब कुछ छोड़ छाड़ के बिकॉज ये जेनिफर विंगेट का शो है एंड आई लव जेनिफर विंगेट. यार जेनिफर को आप जानते हो उसके इतने अंदाज हैं. एवरी टाइम शी हैज थ्री काइंड ऑफ हंसीज. व्हाट डू यू नो शी इज जस्ट वन ऑफ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड. आई लव यार जेनिफर को एक अंदाज में केवल पसंद करना कोई बेवकूफ़ी होगी ना. यू हैव टू लव जेनिफर इन एवरी थिंग दैट शी डज. यू नो यू कैन चूज अ पर्सन वन साइड इफ़ यू लव दैट पर्सन. उसकी कमियाँ खमियाँ अच्छाइयाँ सब अच्छी लगती है. मुझे तो सब अच्छी लगता है. यार लेसन मैंने थोड़ा बहुत शो भी देखा है इनको छुप के जेनिफर. शी इज़ वेरी गुड वेरी वेरी गुड इन द शो. कौन सा अभी नहीं मैं मिलूंगा इसलिए तो लेट हो गया. मैंने कहा पिट आ जाऊंगा अगर मैं नहीं टाइम पे पहुंचूंगा तो. इससे हाँ जी करें बात. सिद्धार्थ फंसे हुए. सिद्धार्थ कतई फंसे हुए नहीं. आई थिंक सिद्धार्थ तो खेल रहे हैं अब आफ्टर आई हैव लेफ्ट. आई थिंक सिद्धार्थ इज इन्जॉइंग द गेम नाउ एंड ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम द वे ही इज हैंडलिंग सिचुएशंस. And it can be very difficult inside the house, but the way he's looking after things, I'm very happy with him. Vikas Singh Lawton, contestant hai, jinko do bar experience karne ka mauka mila Bigg Boss ke ghar ka. Abhi kahin jab finale nazdeek hai, to kahin aapka choice change hua hai winner ko leke ya fir aap? Nahi nahi, dekho mujhe main bada clear hu. I think jo top 3 mere hain, wo top 3 jayenge 100%. अब उनमें से कौन जीतेगा वो तो वोट जिसके ज़्यादा आएंगे वो जीत जाएगा. यार तेरे को झाड़ पड़ेगा सलमान सर से और तू अगर बदला बदला नहीं नजर आए एक हफ्ते तक तो मुझे नाम बदल देना. ऑफ कोर्स यू गेट स्कैर्ड इन यू नो यू लुक अप टू सलमान सर सो मच स्पेशली फॉर शनाज और उसको मैं खुशी बुलाता हूँ. शी इज़ अ वेरी वेरी गुड गर्ल. सो जब क्या होता है ना कि शी इज़ वेरी ट्रू टू हर सेल्फ. वेन एवर शी वॉन्ट्स टू से समथिंग शी विल से इट. तो हर किसी को बात समझ में नहीं आती. यू नो इन कुछ दिनों में पारस हमेशा ये कहते हुए नजर आए शहनाज जो है वो अब शो शुरू हो रहा है. देखा शो शुरू हो कॉन्फिडेंट हो गई है. जस्ट क्विकली आई वुड लाइक टू से उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत जेलस है. एक इंसान ओवर कॉन्फिडेंट और जेलस एक साथ नहीं होता है. ये जो बकैतियाँ करते रहते हैं लोग जीतेंगे इन तीनों में से आसिम सिद्धार्थ या शहनाज.